हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और अभी हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है ये है फॉरेक्स के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है प्लेयर्स ऑन दी फॉरेक्स मार्केट, कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन ट्रेड करता है। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है बट हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है, ये पार्टिसिपेंट्स जो जो होते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ध्यान रखता है भैया फॉरेक्स को देखता है वो है हमारी गवर्नमेंट, चाहे हम पाकिस्तान में हो, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम यूएस में। हमारी गवर्नमेंट जो है इस पे नज़र रखती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नज़र रखती है, जिससे जो है हमारे देश की करेंसी की वैल्यू जो है दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू से कम या ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले जो है हमारी देश की गवर्नमेंट जो है इस पे नज़र रखती है, ये पहला हमारा पार्टिसिपेंट्स हो गया। सेकंड है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का भी यही काम है, उसका भी सेम ऐसे ही काम होता है, वो भी जो है नज़र रखती है कि जो है हमारे देश की जो करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा अप या डाउन ना जाए। तो दूसरा पार्टिसिपेंट्स भी हमारा हो गया। तीसरे नंबर पे आता है बैंक। बैंक ये तो सेंट्रल बैंक था जो भैया देश का बैंक होता है, अगर इंडिया में है तो आरबीआई है, किसी और कंट्री में होंगे तो वहाँ का कोई और बैंक होगा। अब उसके बाद आ जाता है बैंक। तो बैंक क्या करता है? बैंक ट्रेडिंग करता है। बैंक जो है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, प्राइवेट हो गए चाहे गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, वो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के थ्रू जो है अर्निंग जनरेट करते हैं और जो है एक्सचेंज करवाते हैं पैसे को, जो है एक्सचेंज में जो है हेल्प करने वाले जो है वो बैंक्स होते हैं। तो तीसरा हमारा था पार्टिसिपेंट्स वो है बैंक। और चौथा क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो है ये भी जो है हमारे फॉरेक्स मार्केट में जो है पार्टिसिपेंट्स हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करता है भैया? ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जो है अर्निंग करने के लिए जो है ट्रेडिंग करती हैं और जो है प्रॉफिट जनरेट करती हैं। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आती है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, कोका कोला हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, या जितनी भी आप इंटरनेशनल कंपनीज को जानते हो, इनका किस तरीके से हाथ, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो इनके जो भैया वर्क है, इनका वर्क जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इनको जो है हर कंट्री में जो है सामान भेजना होता है और हर कंट्री से जो है सामान मंगाना होता है। तो इनका भी जो है बहुत बड़ा रोल है। जब ये सामान, अगर फॉर एग्जांपल के लिए बीएमडब्ल्यू को अगर जापान से कुछ सामान मंगाना है, तो इसका जो है क्योंकि बीएमडब्ल्यू है तो ये सामान पूरे, इनकी जो कार्स हैं पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, तो ये एक आधी क्वांटिटी नहीं मंगाएंगे कि भैया हमें एक कार बनाने के लिए चाहिए। तो ये जहाँ से भी सामान मंगाएंगे अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में मंगाते हैं, तो उससे जो है फॉरेक्स मार्केट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जापान से अगर बीएमडब्ल्यू ने कुछ भी एक्स वाई जेड मंगाया, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाएगा, तो उससे जो असर होगा वो फॉरेक्स मार्केट पे पड़ेगा। और जौन सी करेंसी वो दे के जापान से सामान मंगा रहा होगा, जापान की करेंसी उसको चाहिए होगी, अगर वो जापान से मंगा रहा, तो जौन सी करेंसी वो दे के सामान मंगाएगा उस करेंसी पे जो है फ़र्क पड़ेगा। अब उसके बाद है हेज फंड्स। ये भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन्वेस्टर्स से फंड लेती हैं और जो है प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो ये हेज फंड्स भी जो है फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं और जो है प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उसके बाद लास्ट बचता है आपके और मेरे जैसे लोग जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में उतरते हैं, बट 95% जो है फॉरेक्स मार्केट में हारते हैं। और मैक्सिमम जो लोग हैं उसमें कौन है जो हमेशा विन करते हैं? बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए और हेज फंड्स हो गए, ये जो है कभी नहीं हारते, बट हम लोग जो है हमेशा हारते हैं। तो अब आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे, और सीखने के बाद ही भाइयों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा सीखने के बाद ही जो है इस मार्केट में उतरना। इसके जो है रिस्क फैक्टर्स भी अभी हम बात करेंगे, तो उसको जो है देख लेना, उसके बाद ही जो है उतरना। हमेशा ये मत सोचा करो कि हम जो है एंटर होंगे और अर्निंग हमारी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये फॉरेक्स मार्केट है और थोड़ा सा रिस्क इसका देख के उतरना, और सारा पूरा का पूरा ये कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है डिसाइड करना, उसके बाद जो है उतरना। अब ये दो क्वेश्चंस आए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है। बढ़िया वीर है, ऑसम, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है इसका, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। क्राइटेरिया इसका कुछ नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये इलीगल है। अगर आप इंडिया में हैं तो इलीगल है, पाकिस्तान में हैं तो ये इलीगल है।
या फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे लिए अलाउ नहीं है, बट हाँ हमारे देश के फॉरेक्स ब्रोकर जो है, सॉरी फॉरेक्स ब्रोकर नहीं, हमारे देश के जो ब्रोकर्स हैं ट्रेडिंग करा रहे हैं, बट वो जो है लिमिटेड पेयर्स पे करा रहे हैं। क्राइटेरिया सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि आप जो है एक इलीगल मार्केट में एंटर हो रहे हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये जो है, ये मेरा आंसर है कि सबसे पहले अपने माइंड सेट ये कर लीजिए कि आप इलीगल मार्केट में एंटर हो रहे हैं। अगर आप लीगली करना चाहते हो तो इंडियन ब्रोकर्स साइन अप करके, वहाँ पर 4-5 करेंसी है जैसे USD INR, KPY INR, Euro INR और KPY INR, तो INR की करेंसीज के साथ जो है ट्रेडिंग हो रही है। बट अगर आपको यूरो USD CAD CHF यूरो GBP इन करेंसीज पे अगर ट्रेड करनी है तो आप कर सकते हो, बट वो इलीगल है। हम जो है नॉलेज के लिए ये सीख रहे हैं। और जो है ते अब अगले क्वेश्चन पे यार, अगला क्वेश्चन है भाई, एक ट्रेड को कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं? तो ये आने वाली वीडियोस में यार हम सीखेंगे कि कितनी देर तक हम होल्ड कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में हो तो भैया जितनी मर्जी देर तक जो है आप होल्ड कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि इंट्राडे में भैया 3:30 बजे के बाद जो है आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो पूरे साल इसको होल्ड करिए, चाहे आप 10 साल होल्ड करिए, आपकी ट्रेड कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपके पास फंड है होल्ड करने का तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव में जा रही है, आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप उसको होल्ड कर सको। क्योंकि इसमें भी जो है बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि कितनी देर तक हम होल्ड कर सकते हैं, कितना हमें मार्जिन चाहिए होता है कि होल्ड करने के लिए। तो चलते हैं, अब अगले ही वीडियो में मिलेंगे। और अगर यार आपका क्वेश्चन है और माइंड में ज़रूर होगा आपके कोई क्वेश्चन, तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन जो है पूछिए, जिससे जो है मैं उसको आंसर कर पाऊँ और आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप अगली वीडियो में।